मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सत्ता संभालते ही एक्शन में हैं। सीएम ने खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं इसे लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार का कदम स्वागत योग्य है, इसे लेकर पहले भी कार्रवाई हुई है लेकिन अब सख्ती से एक्शन होगा। वहीं धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर के आदेश पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मस्जिदों के लाउडस्पीकर से प्रेम है। वहीं कांग्रेस की बैठक पर विधायक शर्मा ने तंज कसा है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है खुले में मांस बिक्री का, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वागत योग्य कदम है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से ये आवाज उठ रही थी और कई बार कार्रवाई हुई भी थी लेकिन अब व्यापक स्तर पर सरकार ने जो कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मंदिरों के आसपास जितनी भी मीट मांस मछली की दुकानें हैं ये भी हटाने के जो निर्देश दिए हैं हम इसका स्वागत करते हैं और मोहन यादव जी को और उनकी पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देते हैं। दूसरे, ध्वनि नियंत्रण के होना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है लेकिन जब जिसकी मर्जी पड़ती है सीने छाती टोक कर सड़कों पर उतर जाते हैं।